नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल माहिदा टेकी पर। तो आज कंपैरिजन आ गया है घमासान GTS 2 मिनी न्यू वर्जन वर्जिस GTS 2 मिनी ओल्ड वर्जन। और आपको एक और आज की बात बताता हूँ, ये जो ओल्डर वर्जन मैंने यूज़ किया इसके अंदर, ये ओपन बॉक्स स्मार्ट वॉच है जो मैं अमेज़फिट की सेल करता हूँ आप सबको। और बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे 320 प्लस अब ऑर्डर्स हमारे हो चुके हैं और 350 के करीब वॉचेस सेल हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इन स्मार्ट वॉचेस पे। तो आपको बताएंगे कि भैया आपको GTS 2 मिनी का नए वर्जन पे जाना चाहिए या ओल्डर वर्जन से ही आप काम चला सकते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, किसने किसको हरा दिया है और कौन बना है आज का विनर। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आजकल सब्सक्राइबर काउंट गिरता जा रहा है बड़ा ड्रास्टिकली। वीडियो सबको पसंद आ रहे हैं, व्यूज अच्छे दे रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना लास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दोनों ही वॉचेस में आपको सेम 1.55 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। 2.5D कर्व्ड टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्शन है, बॉडी एल्युमिनियम की है, बैक जो है ग्लॉसी फिनिश में है। मैट फिनिश वाली अगर आपको चाहिए तो मेटोराइट ब्लैक कलर आप खरीद सकते हैं ओल्ड मॉडल में से। बाकी लुक सेम है, 20mm का ही सिलिकॉन का स्ट्रैप है, बिल्कुल मतलब फिजिकल चेंजेस कुछ भी नहीं है दोनों वॉचेस में। अब मैनुअल फीचर्स देखिए, बिल्कुल सेम है, वही एक्टिविटी ट्रैकर, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2, स्ट्रेस, PAI इनेबल, हेल्थ ट्रैकिंग, वेदर अपडेट, अलार्म, म्यूजिक कंट्रोलर, एलेक्सा, सब सेम ही आपको देखने को मिलता है। अभी कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो वहाँ पे भी सारे सेम ऑप्शंस हैं। और फिर बटन दबा के जाते हैं तो देखिए यहाँ भी सारे सेम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, SpO2, स्ट्रेस, ब्रीदिंग, साइकिल ट्रैकिंग, सेटिंग्स, मोर में जाते हैं तो आपको वेदर, एलेक्सा, म्यूजिक। और अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब जो कंपास का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कि न्यू वर्जन जो ब्लू कलर का उसमें सिर्फ कंपास है, लेकिन ओल्ड वर्जन में एल्टीट्यूड मीटर एंड एयर प्रेशर मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों वर्जन के बीच में। उसके अलावा अगर आप जाते हैं फिर से सेटिंग्स के अंदर तो वॉच फेस, बैटरी लेवल, स्क्रीन ऑफ वॉच फेस है और ऑटो स्क्रीन ऑफ का टाइम आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा है इसके अंदर। वॉच फेसेस की अगर बात करते हैं तो देखिए दो एडिटेबल और दोनों सेम ही है, और बाकी जो दो एडिशनल वॉच फेस हैं देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैटरी लेवल की, तो सेम वही तरीके से वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम फिर स्क्रीन ऑफ वॉच फेस की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो है सेम ही ऑप्शन है कि आपको कौन सा स्टाइल फॉलो करना है और क्या किस टाइम पे आपको शेड्यूल करना है। स्क्रीन लॉक टाइम भी जो है 15 सेकंड का इसमें दिया गया है, तो मतलब 99% सारी चीज़ें लगभग सेम है। अब देखिए अगर हम सरफेस के हार्ट रेट मॉनिटर को चेक करते हैं तो दोनों ही वॉचेस ने जो है मना कर दिया है, तो मतलब सेंसर जो है ऑलमोस्ट सेम है। दोनों के अंदर आपको बायोट्रैकर PPG 2.0 सेंसर देखने को मिलता है। अभी न्यू वर्जन की हार्ट रेट की एक्यूरेसी देखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रही है ऑक्सीमीटर से, एक पॉइंट का फर्क था। और उसके बाद दोबारा ट्राई करते हैं तो इस बार भी एग्जैक्ट रीडिंग मैच हो रही है। अब उसके बाद SpO2 की रीडिंग की बात करते हैं तो वैसे तो मैं कहता हूँ रिलाई ना करें, यहाँ पे भी एक रीडिंग का ही फर्क आया है। ओल्डर वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा 3-4 रीडिंग का फर्क आ रहा है, वैसे आता नहीं है लेकिन इस बार टेस्टिंग में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और SpO2 की रीडिंग जो है उसमें भी एक पॉइंट का ही फर्क देखने को मिल रहा है, तो वो थोड़ी यहाँ पे हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, तो बाहर आपको किसी भी तरीके की ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है स्मार्ट वॉच को। उसके बाद डस्ट एंड वाटरप्रूफिंग की बात करें तो 580mAh ही हैं दोनों वॉचेज, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। 50 मीटर तक गहरे पानी में लेके जा सकते हैं, स्विमिंग के लिए दोनों ही वॉचेज आइडियल हैं। स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं तो देखिए अभी तक तो सब सेम है, ट्रेडमिल, आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग, दोनों वॉचेज में सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है। योगा, रोइंग मशीन, इलेप्टिकल ट्रेनर, बैडमिंटन। और उसके बाद मोर स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या फर्क है। देखिए रन, वॉकिंग, स्पोर्ट्स मोड, 4-4-4 मतलब दोनों में है, और 15-15 है, फिर 9 आउटडोर में है, 2 स्विमिंग में है। विंटर स्पोर्ट्स में देखने डिफरेंस देखने को मिलता है, 3 है नए वर्जन में और पुराने वर्जन में 8 थे। तो विंटर स्पोर्ट्स मतलब इतने कहीं यूज़ होते भी नहीं होंगे, तो मतलब इसका ये है कि जो रेगुलर यूज़ के स्पोर्ट्स मोड है उनमें कोई कटौती नहीं की गई है, विंटर स्पोर्ट्स से थोड़े से कम देखने को मिलेंगे न्यू वर्जन में। उसके अलावा जब आप स्पोर्ट्स मोड को है बाकी के देखते हैं तो अदर्स वदर्स में भी सारे सेम ही काउंट देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स मोड को अगर एक्टिवेट करते हैं तो सेम ही आपको सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, गोल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एक्टिविटी अलर्ट्स लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी भी देखिए दोनों की सेम ही है, 489 कैप्चर हुए हैं जब मैं 500 स्टेप चला था। स्पीड में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो 0.34 है न्यू में और 0.36 जो है ओल्ड में, तो न्यू का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा है।
और ये आप देख सकते हैं दोनों में ही सेम रूट मैप भी आपको देखने को मिल रहा है स्मार्ट वॉच के अंदर ही। और उसके बाद मैं दोबारा से 500 स्टेप चला तो 489 न्यू ने और 491 ओल्डर वर्जन कैप्चर किया। इस बार स्पीड भी इनकी लगभग लगभग सेम आई है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.32 न्यू में और 0.35 ओल्ड वाले में, तो न्यू की एक्यूरेसी थोड़ी सी मुझे डिस्टेंस की बेटर लग रही है यहाँ पे। नोटिफिकेशन लेंथ की बात करें तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में ही लगभग लगभग सेम लेंथ के नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। देखिए तो लंबा मैसेज भेजा है, सेम लाइन पे ही एंड हुआ है। और हिंदी नोटिफिकेशन का सपोर्ट दोनों में नहीं, आई थिंक नए वर्जन में इस बार देना चाहिए था हमें स्पीड। वॉच फेसेस की बात करें तो ओल्डर वर्जन में 70 प्लस वॉच फेसेस थे और न्यू वर्जन में जो है 80 प्लस वॉच फेसेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। एनिमेटेड वॉच फेसेस भी इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे काम के साथ में कस्टम वॉच फेस भी आप दोनों ही वॉचेस में लगा सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करते हैं तो वहाँ पे न्यू वर्जन के अंदर हमें 60 प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस देखने को मिलते हैं, वहीं ओल्डर वर्जन में 30 प्लस ही थे। स्लीप ट्रैकर एक्यूरेसी की बात करें तो मुझे पुराने वर्जन से कभी शिकायत नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत गलत डेटा उसने उठा लिया, 13 घंटे की स्लीप दिखा दी है। और न्यू वर्जन ने बिल्कुल एक्यूरेट डेटा कैप्चर किया है, 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स, तो यहाँ पे न्यू वर्जन की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छे निकल के आ रही है। बैटरी दोनों की सेम ही है, 220 mAh की, 4 दिन चलेगी हैवी यूसेज में। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं, साथ में GPS चलाते हैं, प्लस हार्ट रेट मॉनिटर ऑन रखते हैं 24/7 का, लेकिन 5 से 6 दिन चलेगी जब आप कम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कम हार्ट रेट मॉनिटर को यूज़ करेंगे। तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, अब आपको मेजर डिफरेंसेस बताता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बात करते हम इस वीडियो में। पुराने वाले वर्जन के अंदर था एल्टीट्यूड मीटर एंड एयर प्रेशर मॉनिटर, जो कि नए वर्जन में गायब हो चुका है। पुराने वाले में 30 प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस थे, नए वाले में 60 प्लस हैं। प्लस डिस्टेंस की एक्यूरेसी की बात करूं तो नए वर्जन में मुझे इम्प्रूव्ड दिखी है। इसमें थोड़ा सा 20-30 मीटर 40 मीटर फालतू ही डिस्टेंस दिख रहा था पुराने वर्जन में, लेकिन नए वर्जन में ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। हार्ट रेट की SpO2 की एक्यूरेसी बहुत अच्छी निकल के आ रही है, कोई लैग भी नहीं है नोटिफिकेशंस में, UI काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है दोनों ही वॉचेस का। तो यहाँ पे बात करता हूँ आपको कि कंपनी ने फिर ये नया वर्जन क्यों निकाला, आप ज़रूर सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में बात आ रही होगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक मेंटल ब्लॉकेज होता है हमारे दिमाग में कि भाई लोग कहते हैं हम पुरानी मिनी क्यों लें, 2 साल पुराना वर्जन है, जबकि ये आज भी बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच है। और इसकी टक्कर के अंदर 7000 में ऐसी स्मार्ट वॉच जिसमें GPS हो, एलुमिनियम बॉडी हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑटो ब्राइटनेस जो किसी वॉच में नहीं आती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, तो ये सारे फीचर इसमें हमें देखने को मिलते हैं जो कि किसी 7000 की वॉच के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि मेंटल ब्लॉकेज हटाने के लिए नया वर्जन लॉन्च किया है, थोड़े से चेंजेस के साथ, सेंसर्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के साथ, थोड़ा एल्गोरिथम और इम्प्रूव करके नया वर्जन को लॉन्च किया गया है। और 1000 रुपये सस्ता भी है, मतलब 6000 की आपको मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको अगर कन्फ्यूजन है कि नई लें पुरानी लें, दोनों ही बेस्ट स्मार्ट वॉच हैं लेने के लिए। ये मुझे थोड़ी सी इम्प्रूव्ड लगी है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वर्जन, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में जो ओल्डर वर्जन है डिसकंटिन्यू हो जाएगा, कंपनी एक ही वर्जन को चालू रखेगी 5999 प्राइस में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या कमेंट है इन वॉचेस रिलेटेड तो मुझे जरूर पूछना। और आपको अगर Amazfit की ओपन बॉक्स स्मार्ट वॉचेस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।